एकजुटता और सम्मान के साथ ही मथुरा का फैसला हो जाए। अब आप लोग पूछिए। विपक्ष जो है मतलब मुस्लिम पक्ष जो करेगा वो हाईकोर्ट जाएंगे इस फैसले के साथ। उनको अधिकार है हाईकोर्ट जाने का और वो इस अधिकार का पूरा उपयोग करने का अधिकार रखते हैं, इसलिए हम उनको इस अधिकार से नहीं रोक सकते। जब बात अदालत में है तो सबूतों पर लड़ाई होगी, तो फिर सबूत दोनों पक्ष प्रस्तुत करेंगे, या तो बाहर बैठ के समझौता हो जाए, जो मैं शुरू से कह रही थी कि अयोध्या मथुरा काशी पे बाहर बैठ के समझौता कर लो, क्योंकि ये डिस्प्यूट ऑफ लैंड है। डिस्प्यूट ऑफ लैंड में कोर्ट मान्यता देता है, अगर आपने बाहर समझौता कर लिया और दोनों पक्ष आ गए कि हाँ हमने समझौता कर लिया है, तो माननीय कोर्ट को स्वयं सुझाव देता है कि इस ऐसे मामले को आप बाहर सुलझा लीजिए। जब नहीं सुलझाते हैं और हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तब माननीय कोर्ट किसी के अधिकार को रोक नहीं सकता, तो इसलिए वो अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। मैं आज भी यही कहूंगी कि बेहतरी इसी में है कि बाहर बैठ करके मथुरा और काशी, मैं अकेले काशी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि काशी में हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर संपूर्ण विश्व के स्वामी, काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी है और काशी में गंगा का भी अद्भुत स्वरूप है, और इधर मथुरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मुस्लिम समुदाय ही आगे बढ़ के कह दे, ये बात मैंने उस दिन भाषण में भी कही कि हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि अगर मुस्लिम समुदाय ने ये तीनों स्थान में, उस भाषण की कॉपी निकलवाने वाली मैं आपको भिजवाऊंगी, कि अगर आपने आगे बढ़कर के मुस्लिम समुदाय ने कह दिया कि ये तीन स्थान हिंदुओं के, तो बाकी किसी मस्जिद को क्षति ना पहुंच पावे इसके लिए हिंदू समाज ही लठ लेके खड़ा हो जाएगा। लेकिन कम से कम थोड़ी सी तो दरिया दिली दिखाइए, उनकी भावनाओं का थोड़ा सम्मान करिए। लेकिन चूंकि वो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्हें नहीं माना, विधेयक में हमारे संशोधन नहीं किए, तो हमने बायकॉट कर दिया था। मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो रास्ता निकले, वही रास्ता मैं कोर्ट को कोई टर्म डिक्टेट नहीं कर सकती, और मामला खिंचता है कि नहीं खिंचता है ये सब कोर्ट को ही फैसला करना पड़ता है। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि बहुत शांति से हो गया था समाधान, नहीं तो ऐसा लगता था जो माहौल बनाया गया था वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। 6 दिसंबर की घटना के बाद पूरा देश शांत था, अचानक कांग्रेसियों को और वामपंथियों को लगा कि इतनी शांति क्यों है, तो उन्होंने भोपाल का ही आपको स्मरण होगा, 6 दिसंबर की घटना हुई, 7 दिसंबर को शांति रही और 8 दिसंबर को कांग्रेसी और वामपंथी काली पट्टी निकाल के जुलूस निकालने निकले और दंगे शुरू हो गए। बिल्कुल प्रायोजित दंगे थे, कांग्रेस के द्वारा, समाजवादियों के द्वारा और वामपंथियों के द्वारा, कुछ नहीं होने वाला था। अभी भी जब सर तन से जुदा सर तन से जुदा ये बातें जब शुरू हुई काशी के मुद्दे पे नूपुर शर्मा के बोलने के बाद, उसके बाद एक भी नहीं बोला कि अब मुझे यहाँ डर लग रहा है। जो फिल्मी हीरो कह रहे थे कि हमें भारत में डर लगता है, अचानक उन्हें डर लगना बंद हो गया। जो पुरस्कार वापस कर रहे थे, उनने अपने पुरस्कार अपने हृदय से लगा कर गई रख लिए कि वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है कि लोगों के सिर काटे जा रहे हैं। अब मुझे पूछना है जे आमिर खान से, जे शाहरुख खान से, जे सैफ अली खान से, क्या तुमको अब डर नहीं लगा जब सर तन से जुदा की बात हुई? कहां चला गया तुम्हारा डर? ऐसे ही लोग हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मेरी आज भी ये धारणा है कि फिल्म स्टार्स को पॉलिटिकल कमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर पार्टी में उनके फैन होते हैं। मैं उत्तर मैंने आप लोगों को हमेशा लंबा ही देती हूँ, क्योंकि शॉर्ट में मैंने कह दिया मुझे कहना था।